देख लिया आपने वाली टी शर्ट। अरे टी शर्ट की बात नहीं करनी हमने यार, हमने बात पता किसी करनी है कि हार्दिक पंड्या, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब ईशान किशन को नहीं दिया, श्रेयस अय्यर को नहीं दिया, तो हार्दिक को क्यों दिया गया है? क्योंकि हार्दिक ने भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है। पर एक चीज है जो वो मिस कर जा रहे हैं, आई टेल यू, मतलब यही मैं एक्चुअली फोकस करने का मेरा ये प्रयास है कि हार्दिक का जो केस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट दैट यार, क्योंकि अदरवाइज वो कहते हैं ना कि हर बंदा वो अपने अपने दृष्टिकोण से उस मसले को देख रहा है, तो लेट्स सॉल्व दिस पजल। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और यस यस यस, इट्स विराट रन मशीन कोहली, दैट्स आर न्यू मर्चेंडाइज की हमारी टी शर्ट है, बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको अच्छी लगे तो आप भी खरीद सकते हैं, नीचे वैसे दिखी जाएगी आपको। और हमारा एक और वाई टी का चैनल है, वो भी आप जरा देख लीजिएगा, जैसे एकदम टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह रोज मैं आपको यही बात बोलता हूँ, कर लो यार, इट्स ओके, वहाँ कौन सा कोई मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई है। एनी हाउ, अब जरा इसकी बात करते हैं कि ESPN क्रिकेट वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि भाई क्यों हुआ है ये, मतलब क्यों श्रेयस को नहीं दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, क्यों ईशान को नहीं दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत बार ये लोगों ने बोला कि यार श्रेयस अय्यर तो देखो वर्ल्ड कप खेले, फर्स्ट प्लेयर टू हैव अ 500 रन का एडिशन नंबर चार पर बैटिंग करते हुए, तो आपने जब इतना अच्छा किया है, सेमीफाइनल में आपने 100 बनाया, उसके बाद भी आप क्रिकेट खेले हो और ऐसा नहीं कि रणजी बिल्कुल नहीं खेले हो, तो फिर वाई नॉट, मतलब इनको साथ ऐसा क्या खराब हो गया, अब तो दोबारा खेल रहा बच्चा, फेयर पॉइंट। श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ज्यादा फोकस है लोगों का। दूसरा यह है कि ईशान किशन ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा आई हैव एन इशू, मेरे को आई वॉन्ट अ ब्रेक, तो वो ब्रेक अब उन्होंने ले लिया। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि अरे देखो अब क्या है कि अब कोई ब्रेक नहीं लेगा, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेते हो ना तो यहाँ लोग जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, ड्रॉप कर देते, ऑल ऑफ दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और हार्दिक को क्यों दे दिया भाई, क्योंकि हार्दिक का सी देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज कि भाई उनको क्यों दिया जा रहा है, बाकियों को जब नहीं दे रहे तो इनको ही मत दो। लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स टॉक अबाउट श्रेयस अय्यर फर्स्ट, की क्या लिखा है ESPN क्रिकेट इन्फो के उस आर्टिकल में, कि श्रेयस अय्यर का जब ये वाइजैक वाला मैच हुआ, तो वाइजैक वाले मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनके बैक में थोड़ा दर्द है। ठीक है जी, जब बैक में दर्द है तो उसके बाद NCA ने रिपोर्ट बताई कि नहीं जी अभी कोई फ्रेश इंजरी नहीं है, वी थिंक इज रेडी टू प्ले। अब उन्होंने उनको बताया कि भैया देखिए रणजी ट्रॉफी चल रही है, प्लीज गो एंड प्ले, क्योंकि बहुत अच्छे रन तो नहीं बने थे इस टेस्ट श्रृंखला में, और लेट्स बी फेयर शॉर्ट बॉल के खिलाफ थोड़ी दिक्कत जो थी, जो वो सामने थोड़ी उजागर भी हुई, एंड दैट कैन हैपन टू एनीवन, कि भाई किसी की ऑफ स्टंप के बाहर की दिक्कत, किसी की बाउंसर की दिक्कत, किसी की कोई और दिक्कत, तो वो सारी आ सकती है। अब वहां पे श्रेयस अय्यर चोज नॉट टू प्ले, पर उसी आर्टिकल में एक और चीज लिखी है कि ही वेंट फॉर द प्री सीजन कैंप विद KKR, तो नाउ दैट इज एन इशू। अगर तो हुआ है, मतलब ESPN क्रिकेट इन्फो ने सही लिखा है, गलत लिखा, आई डोंट नो, आई कांट वेरीफाई दैट, पर अगर BCCI के पास ये खबर आई कि आप रणजी नहीं खेल रहे, आप कह रहे हो आपकी बैक में स्पासम है, दर्द है, और जिसको NCA कह रही नहीं सर कुछ नहीं है, खेलने के लिए अवेलेबल है, और आप वो छोड़ के KKR का अगर आप प्री सीजन कैंप कर रहे हो, तो देन दे विल बी अ प्रॉब्लम, होनी चाहिए प्रॉब्लम, राइट? तो आई थिंक दैट इज वॉट इज द आर्टिकल टेलिंग अस। और ईशान किशन के बारे में क्या है, ईशान किशन के बारे में की कहानी यह है कि ईशान किशन की टीम जो है, क्योंकि सी अलग अलग जगह पर है खड़े हुए, कि श्रेयस अय्यर की टीम तो अभी सेमीफाइनल भी खेल रही है, तो वो तो उपलब्ध है, पर क्योंकि ईशान किशन की झारखंड जो है वो अंत तक नहीं जाने वाली थी, जहां अब तक भी थे कुछ मुकाबले बचे थे, उनको बताया गया था कि भाई खेल लो, और उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं खेलना चाहता हूं अभी, और एट द सेम टाइम ही वाज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, तो उनके IPL के कप्तान हैं हार्दिक पंड्या, तो उनके साथ वो बड़ौदा में तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, पर मैचेस नहीं खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी, फिर बाय द टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग उनकी टीम बाहर हो जाती है, रणजी ट्रॉफी इज डन एंड डस्टेड, तो दैट हैजंट गॉन डाउन वेल, कि भैया जब रणजी चल रही थी तो आप वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर आपने ब्रेक आपका खत्म हो ही गया था तो प्रैक्टिस की जगह यार मैच खेल लो, क्योंकि लेट्स बी फेयर वर्ल्ड TC में भरत थे, उसके बाद तो ईशान किशन टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे, इनफैक्ट उनका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज में, सो ही प्लेड अ कपल ऑफ टेस्ट मैचेस देयर, उसके बाद जरूर KL राहुल की तरफ गए साउथ अफ्रीका में, बट देन इट्स ऐसा लग रहा था अभी तो कीपर का जो है वो थोड़ा सा रिवॉल्विंग डोर जैसा लग रहा था, कि 1, 2, 3, 4 रिवॉल्विंग डोर या फिर म्यूजिकल चेयर्स ऐसा फील हो रहा था, लेकिन अब तो खैर वो भी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा है ध्रुव जुरेल हैज पुट एन एंड टू अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, और मुझे तो लग रहा है वाइड बॉल में भी आप इनको बाहर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप आए, आपको लोअर ऑर्डर बैटर चाहिए जो कीपिंग करता हो, तो फिर ध्रुव जुरेल कुड मेक हिज T20 इंटरनेशनल डेब्यू इन द वर्ल्ड कप, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो खेलता है उसके पास मौका रहता है,
तो ये तो है इन दोनों का केस जो मैंने ESPN क्रिक इन्फो में पढ़ा। अब हार्दिक पंड्या के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, हार्दिक पंड्या के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सी हार्दिक पंड्या का केस बड़ा सिंपल सा है, वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो वाला जो एम्बिशन है, वो वाला जो एस्पिरेशन है, वो वाला जो उनकी सोच है, वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। उन्होंने ऐसा सच कहा नहीं है, पर सच बात यह है कि वो अवेलेबल भी नहीं होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए। तो अगर आप टेस्ट के लिए ऑडिशन ही नहीं कर रहे हो, यू नॉट ऑडिशनिंग, आप कह रहे हो मुझे खेलना ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट, तो फिर कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा गो प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट यार, चार दिन का मैच क्यों खेल रहे हो, क्योंकि आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती, आप उतने ओवर नहीं डाल सकते, आपको इंजरीज की प्रॉब्लम रहती है, एंड ये वाला फॉर्मेट तो वैसे भी आप भारत के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे हो, तो क्यों ही खेलना है, फेयर प्ले। तो कब चोट लगी इनको ना, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं, देन विल जस्ट क्लियर अप योर माइंड कि क्यों उनके लिए अलग नियम रखा गया है और क्यों उनको ईशान और श्रेयस के साथ जोड़ना गलत है। थिंक इट थ्रू और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इनको चोट लगी वर्ल्ड कप के दौरान, दैट वाज अक्टूबर नवंबर, राइट? अक्टूबर नवंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई थी खत्म, दैट्स इट, द गेम वाज ओवर। तब वो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो भैया क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट रहता है, अगर आप रणजी ट्रॉफी नहीं भी खेल रहे तो कोई बात नहीं, आप सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी तो पक्का खेलो, अगर वो नहीं खेलते तो फिर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल हो जाएगा, एंड आई अग्री। पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो वर्ल्ड कप के टाइम पे खत्म हो गई थी। जब विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होती है, उनके विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर भी द लास्ट मैच दैट बड़ौदा प्लेड वाज ऑन द 5th ऑफ दिसंबर, 5 दिसंबर को बड़ौदा जिस टीम के लिए वो खेलते हैं उसकी सैयद विजय हजारे ट्रॉफी भी समाप्त हो चुकी थी। तो वनडे क्रिकेट जो थी, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है, वो उनकी टीम का 5 दिसंबर को खत्म हो गया था। ही वॉज नॉट फिट, ही वॉज नॉट अवेलेबल, कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ही वॉज स्टिल वो कहते हैं NCA में चोट से रिकवर कर रहे हैं, राइट? तो और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो वर्ल्ड कप के टाइम पे खत्म हो चुकी है, तो भाई कहाँ खेलेगा मुझे एक बार बताओ। तो हार्दिक पंड्या ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, जब वो फिट हुए तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो NCA भी गए होंगे, उन्होंने प्रोटोकॉल भी फॉलो किए होंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये DY पाटिल में मुकाबले भी खेल रहे हैं क्योंकि वहां पे भी NCA से गो अहेड मिली होगी, जाओ खेलो, उसके बाद वो IPL खेलेंगे और वर्ल्ड कप की सूची में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी भी अनअवेलेबल नहीं बताया कि मैं नहीं खेलना चाहता हूं। अब उस समय अगर वाइट बॉल क्रिकेट नहीं हो रही है तो यू कांट पुट अ गन ऑन हिज हेड यार कि खेल भाई तू डेज क्रिकेट खेल, वो कह रहा मुझे नहीं खेलनी, क्योंकि अगर डेज क्रिकेट मैं खेलता हूं और मैं बॉलिंग नहीं करता हूं और मैं सिर्फ एज अ बैटर खेलता हूं तो मेरी टीम बड़ौदा विल सफर, क्योंकि उनको ऑलराउंडर चाहिए क्या, मतलब मैं किसी की जगह क्यों खराब करूं जब मैं उस फॉर्मेट में खेलना ही नहीं चाहता हूं आगे की तरफ, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर। तो जब नियर फ्यूचर में उन्होंने खेलना नहीं है तो फिर काहे को, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है इस समय जो कॉन्वर्जेशन, जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, थोड़ा सा मिसगाइडेड है, क्योंकि अगर वो छोड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खेलना, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, और उस समय कुछ और भी चल रहा है, ही डजंट वॉन्ट टू प्ले, या फिर इंडिया नहीं खेल रही, आप खाली बैठे हैं और वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है या विजय हजारे चल रही है और वो कह रहे मुझे नहीं खेलना क्योंकि मुझे तो मैं नहीं खेलना चाहता, मुझे मेरी प्रमोशन चल रही है, मेरे को वीडियो शूट करना है, जो भी है यार, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जी गलती है, लेकिन अभी गलती नहीं है, जब गलती नहीं है तो सजा क्यों दोगे यार। और उनका नाम ऊपर सूची में इसलिए रहता है क्योंकि नॉट टू लॉन्ग अगो ही वॉज इंडियाज कैप्टन, वेस्ट इंडीज जब हम गए थे तो वो भारत की T20 टीम के कप्तान थे यार, तो जो बंदा कप्तान रह रहा है अब उसको आप ये तो नहीं कहोगे ना कि यार इसकी क्यों, मतलब ये तो कम खेलते हैं, भैया कप्तान होता है, कप्तान दोनों वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ही इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट मेंबर, वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे, चोटिल ना होते तो अंत तक खेलते, और T20 में तो पिछले साल कप्तान था यार। सो लेट्स, इट्स नॉट एप्पल्स वर्सेज एप्पल्स, इट्स एप्पल वर्सेज ऑरेंजेस राइट नाउ, पर यू गेट द जिस्ट, राइट? तो अब आपके अगर समझ में आ गया कि हार्दिक पंड्या के साथ कुछ अलग नियमों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हार्दिक पंड्या की केस ही अलग है, जब केस अलग होगा तो फिर उसकी बात ही अलग होगी ना, जिसका केस अलग होगा उसकी बात अलग होगी। तो श्रेयस अय्यर, निशांत किशन आर एक्चुअली फॉलिंग इन दैट कैटेगरी, एंड हार्दिक पंड्या इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। तो भाई आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, बाकी बुमराह का नाम आ गया टीम में और वो खेलेंगे मुझे लगा धर्मशाला में मैच, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग, और KL राहुल नहीं है, यानी कि रजत पाटीदार और देवदत्त पाटीकल में से किसी एक को खेलने का मौका मिलेगा। अब उसके बाद में करेंगे, अभी वो करें, आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ और बताओ कि क्या अब आपको क्लैरिटी आई है कि हार्दिक पंड्या को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला है और किस ग्रेड का क्यों मिला है। क्लैरिटी हो गई, समझ में आ गई, आ गई तो नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, बजाओ तो बजा दो।